आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, यानी पार्किंग की व्यवस्था है, ठीक है। और दुनिया भर से जो है लोग आ रहे हैं बागेश्वर धाम। और मंदिर जो है, जिस समय मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ ना, यहाँ से समथिंग जो है 300 मीटर नियर अबाउट आपकी दूरी है। इस साइड में आप देखेंगे, इधर आपको सीधे जाना है। तमाम प्रकार के ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, ठीक है। और सभी जगह आपको स्नान करने का सेम एकदम है, वही हौद बना है, उसमें स्नान करना है। वाला जो देख रहे हैं ना एल्वेस्टर का, इसमें जो है बहुत ही सस्ता है। ऐसे ही सब जो है अगर पर्सनल ले रहे हैं तो 100 रुपये में आपको रेस्ट भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, और बाकी लैट्रिन बाथरूम सब फ्रेश हो जाएंगे। और इधर भी आप चाहेंगे तो फ्री में फ्रेश हो सकते हैं। बाकी ये लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ का स्टार्टिंग लोकेशन है। गाड़ी पार्किंग के लिए आपकी बहुत सारी जगह है, जहाँ पे आप सब स्नान कर रहे हैं वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं स्नान आपको कहाँ करना है। तो स्नान देखिए, एक टैंक है, देखिए स्नान करने के लिए यह हौद जो बना है ना, इसी से आप बाल्टी से लेकर स्नान कर सकते हैं। बाकी लैट्रिन इधर है, फ्रेश कीजिए। और मात्र ये जो है 20 रुपीज़ में स्नान और फ्रेश दोनों मिला के। और रहने के लिए आप रेस्ट जैसे कर सकते हैं इसके अंदर, चाय पानी नाश्ता। देखिए ये जो है रेस्ट रूम है 100 रुपये में। और इधर जो है आपको कूलर मिलेगा, एक कूलर बस इसमें लगा हुआ है। अब जो है बाबा का दर्शन आपको होता जाएगा। हर दुकान पे जो है बाबा की फ़ोटो आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो है अर्जी लगाने के लिए नारियल, पेड़ा, बर्फी, दुनिया भर का आपके प्रसाद उपलब्ध है। अगर यहाँ से आप राइट जाएंगे ना तो बाबा के गांव पे चले जाएंगे, और जो वैवाहिक स्थल है वहाँ पे। और मंदिर पे जाने के लिए आपको इधर दाहिने साइड से लेफ्ट साइड मुड़ना पड़ेगा। देखिए विवाह स्थल, कथा स्थल, भंडारा एवं मेला मार्ग इधर है। बाकी मंदिर मार्ग, परिक्रमा मार्ग, कार्यालय, यज्ञशाला इस साइड है, ठीक है। तो ये है आपके मंदिर का मेन गेट, प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर सिद्धपीठ। यहाँ पे हमने प्रसाद भी ले लिया, अब चलते हैं हम लोग मेन मंदिर में दर्शन के लिए। देखिए बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है, मेन गेट है, और इसी में बाबा जो है प्रवचन देते हैं, ऊपर हाल में भी और इधर। और यहाँ पे देखिए बहुत ही लंबी लाइन, जब भीड़ हो जाती है खासकर शनिवार को, ठीक है, सैटरडे और मंगलवार को, ट्यूजडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सभी लोग जो है अपनी नारियल बांधकर मनोकामना मांगकर अर्जी लगाते हैं यहीं पे। और मेन गेट आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मेन गेट। सन्यासी बाबा की समाधि स्थल यही है, और मेन बालाजी सरकार इस साइड है। तो यहाँ पे जो है आपकी अर्जी लगती है, नारियल जो है यहाँ पे बना जाता है। इसके बाद आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है, ठीक है, और वहाँ से आपको एंट्री करना है। देखिए पूजा पाठ आपके यहीं पे, और यहाँ पे ही मेन जो नारियल अर्जी लगाया जाता है ना, यहीं पे लगाया जाता है। तो बाकी भजन कीर्तन, फिर जो है आपके भंडारे का भी वहाँ पे प्रोग्राम रहता है, ठीक है। और बाबा जो प्रवचन देते हैं, मेन प्रवचन वहाँ पे देते हैं। और एक बड़ा सा आगे बना है, ठीक है,
वहाँ पे प्रवचन देते हैं। तो ये है बागेश्वर धाम, यहाँ पे देखिए जितनी अर्जी लगाई गई सब यहाँ पे फेंका गया है, नारियल। और ये जो सब पत्थर, ये पहाड़ ही है, और पैर इतनी तेज जल रहा है ना कि क्या बताऊं। और यहाँ पे प्रवचन स्थल है, और ये है जो आपका हवन कुंड बनाया गया है, ठीक है, हवन कुंड का ना परिक्रमा करना अनिवार्य है, यानी इसका परिक्रमा किया जा रहा है। देखिए बहुत लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और फर्श इतना तेज जल रहा है ना। सरकार महाराज जी का स्थल जो है आगे, यानी यहाँ पे जो मेन प्रवचन होता है, इसमें जो है आपका छोटा सा है, यानी कम लोग रहते हैं तो यहीं पे आपके कथावाचक करते हैं बाबा जी, और मेन जो बना है आपका आगे है। तो इधर देखिए जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये सब जो है बाबा जी का बन रहा है बिल्डिंग, ठीक है। दिव्य दरबार आपका सामने लगता है, और बाकी इधर जो है भोजन, दिव्य दरबार अभी देखिए बन रहा है, और काफ़ी दिव्य भी है, बहुत बड़ा हाल, और इसी में दिव्य, और अभी तक बन ही रहा है, ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पे जो है पब्लिक बैठती है, क्या जानकारी चाहिए बताइए आपको, अर्जी लगाना है, आप नारियल ले लो, किस परिक्रमा कर लो, नहीं बन पाए तो 1, 3, 5, 7, 11 उसके बाद 21, अगर 21 के लिए सबसे बढ़िया परिक्रमा कर लो, नारियल लेके जाके बालाजी के पास आपकी जो मनोकामना है वो मांगो, मांग के उसको बांध दो, वो तो कर दे। तो फिर क्या पूछ रहे हो भाई, नहीं टोकन पहले कटता था भैया, टोकन सिस्टम बंद।